हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और मैं आपके लिए डेली वोकैब वर्ड्स लेके आई हूँ 28 जनवरी के लिए। आई होप कि ये लेसन आपको बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। और CDS FCAT का एग्जाम आपका आने वाला है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, कुछ ही मिनट्स का वीडियो है जो आपको रोज देखना होता है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है और जो वोकैब है आपकी स्ट्रोंग हो जाए और धीरे धीरे आपको वर्ड्स जो है खुद ही याद होना शुरू हो जाएंगे। पर आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आपने अनअकैडमी पे मेरे प्रोफाइल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट कोर्सेज जो CDS FCAT के लिए मैं लेके आ रही हूँ उनका अपडेट आपको मिल जाए। साथ में आपको ये भी बता दूं कि CDS के लिए हमने CDS FCAT के लिए 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का वहाँ पे एक कोर्स बनाया है, जो कि अनअकैडमी पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर फॉलो कीजिए। विद एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन कराया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे CDS से FCAT के लिए इम्पोर्टेंट कोर्सेज जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट जो हमारा वोकैब वर्ड है, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मीनिंग होता है पूरा करना या शुरू करने में विफल, जिसमें हम पूरी तरह से जो है सफल ना हो सके, जो रिजेक्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड की फेल टू फुलफिल और अंडरटेक, कि जो हमारा काम पूरा करने में उसको हम सफल ना हो, तो दैट इज कॉल्ड एब्डिकेट। फेल टू फुलफिल और अंडरटेक आर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी। सिनोनिम इसके सेम वर्ड्स क्या है? डिसऑन, रिजेक्ट, स्पर्न और रिनाउंस। तो ये हो गए इसके सेम वर्ड। और इसके ऑपोजिट वर्ड और एंटोनिम क्या है? एक्सेप्ट। एग्जाम्पल है इसकी, द यंग प्रिंस बिकेम किंग आफ्टर हिज ओल्डर ब्रदर डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन, कि वो उसको पूरा करने में सफल नहीं रहा, दैट्स व्हाई द यंग प्रिंस बिकेम द किंग। तो नेक्स्ट इसी के साथ वर्ड देखते हैं, रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल क्या होता है? मेल मिलाप करना। रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन, कि किसी के साथ मेल मिलाप जो करना, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्साइल। सिनोनिम और सेम मीनिंग है इसका, रीयूनाइट, पैसिफाई, अपीज और मॉलिफाई करना। और एंटोनिम और इसका ऑपोजिट वर्ड है एस्ट्रेंज, एलियनेट। तो ये क्या हो गया इसका एंटोनिम और ऑपोजिट वर्ड रिकॉन्साइल का। रिकॉन्साइल क्या होता है? मेल मिलाप करना। एग्जाम्पल है इसका, बिल्स प्लान वॉज टू रिकॉन्साइल विद हिज एस्ट्रेंजेड ब्रदर होम ही हैड नॉट स्पोकन इन द 7 years। तो रिकॉन्साइल का मीनिंग क्या हो गया? रिकॉन्साइल विद हिज एस्ट्रेंज्ड ब्रदर, मतलब कि उसके साथ मेल मिलाप करना। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, दैट इज थर्ड, पेट्यूलेंस। पेट्यूलेंस का क्या मतलब होता है? ठिठाई। ठिठाई मतलब चिड़चिड़ापन, जिसमें बंदा जो है इरिटेट होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पेट्यूलेंस। मीनिंग क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग चाइल्डिशली सल्की और बैड टेम्पर। सिनोनिम और सेम वर्ड इसके क्या है? बिटरनेस, साइनिसिज्म, इरिटेबिलिटी। एग्जाम्पल क्या है? सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन्स इंक्लूड पेन, ब्लर्ड विजन एंड पेट्यूलेंस, की बंदा जो है चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द पेट्यूलेंस। नेक्स्ट जो है हमारा, तो फोर्थ हमारा जो वर्ड है, दैट इज फैटगेटी, जिसका मीनिंग है बेचैन होना। मीनिंग है इंक्लाइन टू फिगेट, रेस्टलेस एंड अनइजी, कि किसी चीज का रेस्टलेस हो जाना, बेचैन हो जाना, दैट इज कॉल्ड द फिगेट। तो इसका सिनोनिम देखते हैं कि इसके सेम मीनिंग क्या है, रेस्टलेस, अनइजी, एगिटेटेड और क्वेवरिंग। और एंटोनिम और इसका ऑपोजिट वर्ड है काम एंड स्टिल। एग्जाम्पल है इससे, इवन दो शी ट्राइड टू कंट्रोल हर बॉडी द फिजिडिटी टोडलर कुडंट बी स्टिल ड्यूरिंग स्टोरी टाइम, कि वो बेचैन ही रहे, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फिगेटी, बेचैन रहना। नेक्स्ट वर्ड करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूसेंट। इम्प्यूसेंट का मीनिंग होता है कमजोर, अनेबल टू टेक इफेक्टिव एक्शन, पावरलेस। तो इसका सिनोनिम देखते हैं कि जो बहुत ही कमजोर हो, पावरलेस हो, तो दैट इज कॉल्ड द इम्प्यूसेंट। सिनोनिम इसका क्या है? हेल्पलेस, इनएडिक्वेट, इनकैपेबल एंड पावरलेस। और एंटोनिम और इसका ऑपोजिट वर्ड है एबल, कैपेबल और कंपेटेंट और पोटेंट। तो ये सारे हो गए इसके ऑपोजिट वर्ड। एग्जाम्पल है, अ फ्लू लाइक इलनेस लेफ्ट द वन स्ट्रॉन्ग जर्नल एम्प्यूसमेंट
abused and unable to lead his soldiers into battle. So that is the meaning of abused, कमजोर होना, unable to take effective action. Next जो है हमारा word that is placate. Placate का meaning होता है शांत करना, make less angry or hostile. इसका synonym और same word है pacify, calm, appease and mollify. और antonym है इसका provoke and anger. एग्जाम्पल देखते हैं. द प्रेजिडेंट न्यू ही वुड हैव टू प्लेकेट द वोटिंग पब्लिक बाय फायरिंग हिज एडवाइजर. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लेकेट, कि शांत रहना, काम रहना, मॉलिफाई रहना. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लेकेट. नेक्स्ट वर्ड है अंडरले. अंडरले होता है बुनियादी, स्पोर्टिंग, तो प्लेस समथिंग अंडर स्पेशली टू स्पोर्ट और रेस. एट अ वेरी ग्राउंड लेवल कोई काम करना, कोई सपोर्ट करना, तो दैट इज कॉल्ड द अंडरले. सिनोनिम्स है इसका कंट्रोल, डिटरमिन, मैनेज एंड रेगुलेट. एंटोनिम और ऑपोजिट वर्ड है अबंडन, लिबरेट, मिसमैनेज और निग्लेक्ट. अंडरले क्या है कि बुनियादी सपोर्टिंग वे में बहुत ही गहराई में काम करना, तो दैट इज कॉल्ड द अंडरले. एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स विल अंडरले अ सपोर्ट बीम बीनीथ द ड्रॉपिंग फ्लोर इन एन इफेक्ट एफर्ट टू मेक इट मोर सिक्योर. कि वो क्या कर रहे हैं, अंडरले ऐसा बुनियादी सिस्टम सपोर्टिंग के लिए बना रहे हैं कि जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए. नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज एंग्विश, पीड़ा. स्वेयर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग, तो दैट इज कॉल्ड द एंग्विश, पीड़ा. सिनोनिम और सेम वर्ड है इसका एगोनी, पेन, डिस्ट्रेस एंड सफरिंग. और एंटोनिम और ऑपोजिट वर्ड है इसका हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट. तो ये क्या हो गए इसके सिनोनिम और एंटोनिम. अब इसी से जुड़ा एग्जांपल देखते हैं. आफ्टर जैकोब वाज शूट ही एंड्योर्ड अ ग्रेट डील ऑफ पेन एंड एंग्विश. तो एंग्विश का मीन क्या होता है, सिवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग. दैट इज द मीनिंग ऑफ एंग्विश. नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पैरेज. डिस्पैरेज का मीन है उपेक्षा करना, किसी रिगार्ड और रिप्रेजेंट एज बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ. नीचा दिखाना, किसी को अपमानित करना, दैट इज कॉल्ड द डिस्पैरेज. रिगार्ड और रिप्रेजेंट एज बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ. सिनोनिम है इसका बी लिटिल, डेनिग्रेट, डेप्रिकेट और डेप्रिशिएट. एंटोनिम है इसका प्रेज, ओवररेट एंड कम्प्लीमेंट्री. एग्जाम्पल है इसका एज अ मिडिल स्कूल टीचर आई विटनेस स्टूडेंट्स वर्बली डिस्पैरेज ईच अदर ऑन द डेली बेसिस. सो दिस इज द मीनिंग फॉर द डिस्पैरेज. डेप्रिशिएट करना, डेप्रिकेट करना, किसी को नीचा दिखाना, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पैरेज. डीमीन क्या होता है, नीचा दिखाना. कोज अ सीवियर लूज इन डिग्निटी ऑफ एंड रिस्पेक्ट फॉर समवन एंड समथिंग. किसी चीज को नीचा दिखाना, उसके लिए रिस्पेक्ट ना शो करना, तो दैट इज कॉल्ड द डीमीन. डिग्रेडिंग, ह्यूमिलेटिंग, इनग्लोरियस और एब्जेक्ट. तो दीज आर द मीनिंग फॉर द डीमीन. अब इसके ऑपोजिट वर्ड्स देखते हैं कि क्या हो सकते हैं. एडमायर, एलिवेट, ऑनर एंड लॉड. एग्जाम्पल क्या है, People often use racial slurs to demean individuals they view as different. So this is the meaning for demean. Next जो है देखते हैं अब. Next जो है अब सभी को revise करते हैं. Abdicate का meaning होता है किसी चीज को पूरा और शुरू करने में विफल होने जाना, सफल ना होना. Reconcile का meaning होता है मेल मिलाप करना. Next है petulance. Petulance का meaning होता है चिड़चिड़ापन शो करना. फिडगेटी का मीनिंग होता है बेचैन हो जाना. इम्प्यूसेंट का मीनिंग है कमजोर, जो कि पावरलेस हो, तो दैट इज कॉल्ड द इम्प्यूसेंट. प्लेकेट का मीनिंग है शांत करना, काम रहना, बहुत ही शांति से, जिसको गुस्सा ना आए, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड प्लेकेट. अंडरले क्या होते हैं, बुनियादी, बहुत ही जो है सपोर्टिंग सिस्टम, बहुत ही गहराई से किसी चीज को करना, तो दैट इज कॉल्ड अंडरले. एंग्विश मतलब कि पीड़ा, अ मेंटल और फिजिकल पेन सफरिंग. डिस्पैरेज क्या होता है, उपेक्षा, कि किसी चीज के लिए आप जो है किसी को नीचा दिखाना, उसको डिसरिस्पेक्ट करना, तो दैट इज कॉल्ड डिस्पैरेज. डिमीन क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, उसकी रिस्पेक्ट ना करना, डिग्रेड करना, तो दैट इज द मीनिंग फॉर डिग्रेड, डिमीन. दिस इज फॉर टूडे एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.